हर इंसान की अपनी अलग शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज होती है। इंसान चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोल ले, उसका व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज में ही खोट है तो इसका सामने वाले पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, उसका हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ सही सामंजस्य हो। बॉडी लैंग्वेज का कामकाज और सफलता पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर भले ही टैलेंट क्यों ना भरा हुआ हो, लेकिन अगर इसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज में दोष है तो यह आपकी सफलता की राह में एक बड़ा पत्थर साबित हो सकता है। टैलेंट स्मार्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिशा में लाखों सफल और असफल लोगों का अध्ययन किया है और पाया है कि बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी ऐसी 15 गलतियां हैं जो सफल लोग कभी भी नहीं करते। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो आपको भी इन 15 गलतियों को करने से खुद को रोकना होगा। वेल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। तो अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, यूट्यूब पर सर्च कीजिए टेगोनिटी अकेडमी, जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। टेगोनिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी सभी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इंग्लिश वर्जन वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो ये कि उन्हें बेफिक्र या फिर भद्दे अंदाज में नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र या फिर अल्हड़ अंदाज में चलने को अनादर माना जाता है। यह दिखाता है कि आप सामने वाले की बातों में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं और आप इसकी कोई फिक्र भी नहीं करते, जबकि आपकी वर्कप्लेस में कोई भी मैनेजर या फिर हायरार्की में जो आपसे ऊपर लेवल पर हैं, वो आपके इस बेफिक्र अंदाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। मतलब अगली बार जब भी आपसे सुपीरियर कोई आपसे कुछ कह रहे हो या फिर आपसे बात कर रहे हो, तो ना सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुने बल्कि अपने जिम्मेदार होने का एहसास भी उन्हें करवाएं। दूसरी गलती कि लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हैं। जब भी आप अपने वर्क प्लेस में हो या फिर आप अपने किसी बड़े से बात कर रहे हो, तो छोटी मोटी सफलता के लिए चीजों या फिर बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें। ये आपकी छवि को खराब करता है और सामने वाला यही समझता है कि आप बस बातें बनाना जानते हैं। बातचीत के क्रम में कभी भी अपनी बाहों को फैलाकर या फिर हथेली दिखाकर बात ना करें। तीसरी बड़ी गलती कि बार बार घड़ी को ना देखें। किसी से बात करते समय उनकी आंखों में देखकर बात करें। ये बताता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। नजरें चुराना या फिर बार बार घड़ी की ओर देखना बहुत ज्यादा गलत है। ये बताता है कि आप सामने वाले की बातों को सुनने के बजाय बातचीत को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। चौथी गलती कि खुद को दूसरों से अलग कर लेना। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की बातचीत में शामिल नहीं होते हैं तो ये गलत है। जब कभी ऑफिस में या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां आपस में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो खुद को उनसे दूर रखने के बजाय उनके ग्रुप में शामिल होना आपको चाहिए। ये बताता है कि आप काम के साथ साथ लोगों से बेहतर संबंध बनाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। पांचवी मिस्टेक कि क्रॉस लेग या फिर क्रॉस आर्म्स ना करें। कई बार देखने में आता है कि बातचीत के दौरान लोग क्रॉस लेग कर बैठना पसंद करते हैं या फिर बाहों को मोड़कर बात करना शुरू करते हैं। बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, खासकर तब जब आप अपने बॉस या फिर अपने उम्र से बड़े किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि आप खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको छुपा रहे हैं। छठी बड़ी गलती कि बातचीत के क्रम में अपने हाव भाव को नोटिस करें। आप जो बोल रहे हैं वो आपके चेहरे पर भी दिखना चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो यह आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए, परेशान है तो वो दिखना चाहिए, वरना सामने वाला आप पर कतई विश्वास नहीं करेगा। सेवेंथ मिस्टेक इज कि हद से ज्यादा सिर हिलाना भी गलत है। सामने वाले की बात से सहमत होने पर हम सिर हिलाकर उसका समर्थन करते हैं, लेकिन बेवजह ही बात पर या फिर हद से ज्यादा सिर हिलाने से आपको बचना चाहिए।
एट्थ मिस से कि बार बार बाल ठीक करना गलत माना जाता है। बातचीत करते समय बार बार अपने बालों को या फिर अपने कपड़ों को ठीक ना करें। इससे ये लगता है कि आप बस खुद का ध्यान रखते हैं और दूसरों की बातों या फिर उनके विचारों में आपको कोई रुचि नहीं है। नाइन्थ मिस्टेक, आंखें मिलाना। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बातचीत के क्रम में आंखें मिलाकर बात करें, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टेंथ मिस्टेक, आंखें मिलाएं लेकिन घूरे नहीं। आंखें मिलाकर बात करने का अर्थ सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर घूरना नहीं होता। आमतौर पर बातचीत के क्रम में एक बार में 7 से 10 सेकंड तक आंख मिलाकर बात करें, फिर अपनी पलकों को झपकाएं। अब आप बात करते समय 7 या फिर 10 सेकंड गिनना मत शुरू कर दीजिएगा, ये एक आम बात है। 11वीं मिस्टेक कि आंखें गोल गोल ना घुमाएं। बहुत से लोग बातचीत के क्रम में आंखें गोल गोल घुमाकर बात करते हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अगर ये आपकी आदत है तो आपको इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। 12वीं मिस्टेक, खुश रहें, चेहरे पर ताजगी बनाकर रखें। काम करते हैं तो खुशी से आपको काम करना चाहिए और ये जरूरी भी है। हर वक्त चेहरा बनाकर रखना या फिर दुखी दिखना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए अपने फेस पर हमेशा एक स्माइल रखिए। 13वीं मिस्टेक, लोग हाथ मिलाते वक्त करते हैं। कभी भी हल्के हाथ या फिर बेफिक्र के अंदाज के अंदर हाथ ना मिलाएं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। जब आप हाथ मिलाएं तो पूरी स्फूर्ति और ताजगी के साथ मिलाएं। 14वीं मिस्टेक है मुट्ठी को बांधना। बातचीत के क्रम में मुट्ठी बांधना भी गलत संकेत देता है। इससे भी क्रॉस लेग या फिर क्रॉस आर्म्स की तरह ही संकेत जाता है कि आप खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। 15वीं लास्ट मिस्टेक कि बात करते समय किसी के भी बहुत ज्यादा क्लोज ना जाएं। बातचीत के क्रम में ये जरूरी है कि दूरी बनाकर रखें, बहुत अधिक निकट जाकर भी किसी से बातचीत ना करें। तो बस फ्यूचर में इन सभी बातों को ध्यान में रखें और ऐसी मिस्टेक्स अपनी लाइफ में कभी भी ना दोहराएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसी के साथ अंत में हमारा एक सजेशन है आप सभी के लिए कि अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। और हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए सभी के साथ शेयर जरूर करें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tigunity.com। जल्द मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। इसी के साथ अलविदा, जय हिंद।